हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ जीके के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा शहर है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों भाषाएँ आती है? कौन सा शहर है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषा आती है? तो चार ऑप्शन है इसके, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर और नई दिल्ली। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है बी, अहमदाबाद ऐसा शहर है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषा आती है। अगर अहमदाबाद का हम अहम लें तो ये संस्कृत हो जाता है, अहम आवाम वयम वाला, और दा का द होता है THE द अंग्रेजी का, और बाद का हिंदी। तो अहमदाबाद ऐसा है शहर जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषा आती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। विश्व में किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है? विश्व में किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल एक वर्ष होता है? तो चार ऑप्शन है, भारत, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। तो इसका आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। कौन सा खाद्य पदार्थ हजारों वर्षों तक खराब नहीं होता? कौन सा खाद्य पदार्थ है जो हजारों वर्षों तक खराब नहीं होता? तो इसके चार ऑप्शन है, सरसों, शहद, गेहूं या बाजरा। तो इसका जो आंसर है वो है शहद। शहद ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हजारों वर्षों तक खराब नहीं होता, और शहद को हम सिर्फ नेचुरल तरीके से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसको कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। ये शहद मधुमक्खी के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। आधी रात को सूरज किस देश में चमकता है? आधी रात को सूरज किस देश में चमकता है? तो इसके चार ऑप्शन है, तुर्की, इजराइल, नाइजीरिया या नार्वे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, नार्वे में सूरज आधी रात को चमकता है। विश्व का कौन सा देश है जिसने युद्ध में कभी भाग नहीं लिया? विश्व का वो कौन सा देश है जिसने युद्ध में कभी भी भाग नहीं लिया? स्विट्जरलैंड, बर्मा, अमेरिका या नाइजीरिया। तो जिसका आंसर है वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसने युद्ध में कभी भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा जानवर है जो दूध और अंडा दोनों देता है? वह कौन सा जानवर है जो दूध भी देता है और अंडा भी देता है? तो जो इसका आंसर होगा वो है प्लेटीपुस। ये एक ऐसा जानवर है जो दूध भी देता है और अंडा भी देता है। सातवां प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा जानवर है जिसका गुलाबी रंग का पसीना निकलता है? कौन सा जानवर है जिसका गुलाबी रंग का पसीना निकलता है? गोरिल्ला, ऑक्टोपस, दरियाई घोड़ा या शेर। इसका जो आंसर है वो है दरियाई घोड़ा। इस जानवर का गुलाबी रंग का पसीना निकलता है। आठवां प्रश्न देखते हैं। किस देश में महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार नहीं है? तो कौन सा वो देश है? इंग्लैंड, अमेरिका, सऊदी अरब या इंडोनेशिया। तो सऊदी अरब ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार नहीं है। आकाश में चमकने वाले तारे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं? आकाश में जो तारे स्थित होते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर है सी, 2 करोड़ मील के बीच की दूरी होती है आकाश में चमकते हुए तारों के बीच की। लास्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे शुद्ध जल किसका होता है? समुद्र का, वर्षा का, कुओं का या तालाब का? तो इसका आंसर है बी, वर्षा का जल सबसे शुद्ध मात्रा में पाया जाता है, पर पृथ्वी तक पहुंचने पर भी इसमें अशुद्धियाँ मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली जीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें।